गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज सब्जेक्ट इज जीके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? हर रोज़ पढ़ाई करना है आप लोगों को। जैसा स्कूल से रोज़ होमवर्क आता है आप लोगों के पास, ऐसा ही रोज का रोज होमवर्क कंप्लीट करके ही रखना है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सेवन चैप्टर। सेवन चैप्टर में क्या है? साइंस सेंस, मतलब विज्ञान का ज्ञान। तो हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है? पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर गिवेन बिलो। मतलब नीचे कुछ घर में व्यवहार करने वाला इलेक्ट्रिकल वस्तु का पिक्चर दिया हुआ है। राइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जीज इनटू व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो लिखना पड़ेगा आपको। और क्या लिखा है? चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। मतलब बॉक्स में से सही आंसर चूज करके आपको फोटो का नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले वाला फोटो किसका है? एक रेडियो का है, ठीक है? तो रेडियो क्या होगा? साउंड एनर्जी होगा डेफिनेटली, क्यों? रेडियो से साउंड निकलता है। तो स्टूडेंट्स, रेडियो इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुकली एंड मो मार्कनी ने 1890 में रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो एक बड़ा मीडिया है। टीवी का आविष्कार होने से पहले ये मीडिया का बड़ा माध्यम था, है ना? नेक्स्ट फोटो देखो। नेक्स्ट फोटो क्या है? एक आयरन का फोटो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं। इसमें एक रेगुलेटर भी रहता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग किया हुआ रहता है। कपड़ा का हिसाब से आपको रेगुलेटर घुमा के एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा ये इसका नीचे मैंने क्या लिखा, इसीलिए क्या हुआ, ये हीट एनर्जी हुआ। तो आप क्या लिखोगे बुक्स में? हीट एनर्जी। नेक्स्ट फोटो देखो। ये जो फोटो है ये कॉलिंग बेल का जो स्विच है उसका फोटो है, ठीक है? तो इससे से ये बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? साउंड निकलता है। तो इसीलिए क्या होगा? साउंड एनर्जी। तो देखो, हम लोग जब घर पे अंदर रहता है तो बाहर शायद सोचो कोई बाहर आया, ठीक है? तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा बाहर कौन है क्या नहीं है। तो ये कॉलिंग बेल का अगर बटन दबाए तो इसमें से साउंड निकलेगा, तो हम लोगों को पता चल जाता है कोई बाहर आया है, ठीक है? अभी नेक्स्ट फोटो देखो। फोन नंबर फोटो। लाइट एनर्जी है, ये बल्ब है, कोई लैम्प भी बोलता है इसको। बल्ब को आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने 1878 में। इसमें एक फिलिपिन रहता है जो बिजली के सहारे बहुत गर्म हो जाता है और रोशनी देना शुरू कर देता है। फाइव नंबर फोटो देखो। टीवी है ना, टीवी एक लाइट एंड साउंड एनर्जी है। 1927 में फिलोटेलर फ्रांस ऑथर टीवी का आविष्कार किया था। रेडियो में जैसा सिर्फ साउंड ही सुनाई देता है वैसा टीवी में साउंड भी सुन पाते हैं और पिक्चर भी देख पाते हैं। तो इसीलिए टीवी को लाइट एंड साउंड एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट फोटो टेलीफोन। टेलीफोन ये एक साउंड एनर्जी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन में आप दूर में रहने वाले इंसान से बात कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं ना, जो हम लोग के पास नहीं है, जो दूर पे है, शायद सोचो रिश्तेदार हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो फ़ोन करते हैं ना। तो इसीलिए क्या हुआ? फोन एक साउंड एनर्जी हुआ। नेक्स्ट वाला फोटो देखो। फैन का फोटो है। फैन मैकेनिकल एनर्जी है। समर सीजन में इलेक्ट्रिक फैन हम लोगों को कूल रखते हैं। ये इलेक्ट्रिक की सहायता से चलती है। अभी एट नंबर फोटो देखो।
एट नंबर फोटो क्या है, गीज़र। गीज़र एक हीट एनर्जी है, ये पानी को गर्म करता है। नहाने के लिए जब गर्म पानी का ज़रूरत होता है तब गीज़र से गर्म पानी मिलता है। अभी उसके बाद देखो मिक्सी है ना, इसको मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं। इसमें मसाला पीस सकते हैं, इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल छोटा छोटा करके काट सकते हैं। किचन में खाना बनाने में बहुत टाइम सेव करता है मिक्सी है ना, हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो अभी अच्छे से वीडियो देख लेना है आपको, फिर बहुत इजी है, आप तो कर ही पाओगे, मुझे पक्का पता है आप लोग कर ही पाओगे। फिर भी अभी मैंने जो थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन किया, जैसा रेडियो, फिर हीट एनर्जी के बारे में, वाल्व कौन आविष्कार किया था, फिर टेलीविज़न कौन आविष्कार किया था, ये आप याद रखने का कोशिश करोगे ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। तो आपका जो जीके का बुक्स है आप उसमें ये वीडियो देख लेने के बाद खुद कोशिश करना है करने के लिए, मतलब वीडियो देख देख के नहीं, वीडियो पहले देख लेना है, समझ लेना है टीचर ने किसको साउंड एनर्जी लिखा, किस में लाइट एंड साउंड एनर्जी लिखा, किस में हीट एनर्जी लिखा, किस में मैकेनिकल एनर्जी लिखा, ये आपको अच्छे से देख लेना है ठीक है, समझ लेना है। फिर उसके बाद आप खुद कोशिश करोगे बुक्स में करने के लिए, और बहुत ईजी है, आपके पास तो बॉक्स दिया हुआ ही है, उसमें से स्पेलिंग देख के आपको सही आंसर लिख लेना है ठीक है। तो स्टूडेंट्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।